आवाम के पैसे पर बुलाया गया इजलास नून लीग अरकान के शोर शराबे और हंगामे की नजर हो गया। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट ईवान में पेश नहीं किया जा सका। बजट इजलास पहले ही 6 घंटे की ताखीर के बाद शुरू हुआ, लेकिन फिर हंगामा राई के बाइस 1 घंटे के लिए मुलतवी कर दिया गया। 1 घंटे के वक्फे के बाद जब इजलास दोबारा शुरू हुआ तो वजीर आला पंजाब हमदा शहबाज शरीफ भी ईवान में पहुंचे। इजलास के दौरान फिर से हुकूमत अपोजिशन अरकान में गर्मा गर्मी हुई। एक मौके पर स्पीकर की जानिब से अता तारट को ईवान से निकल जाने का हुक्म दिया गया, जिसके बाद ईवान में फिर से हुलड़बाजी शुरू हो गयी। नून लीगी रहनुमा अता तारट ईवान से ना जाने के लिए जिद पर अड़े रहे। काफी वक्त जाये होने के बाद अता तारट ने एहतजाजन ईवान से वॉकआउट करते हुए कहा कि ये 12 करोड़ आवाम का बजट है और मैं बजट को रोकना नहीं चाहता। अता तारट जाते जाते नाजेबा इशारे करते हुए पंजाब असेंबली से चले गए। इजलास की सदारत करने वाले स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही ने इस मौके पर रूलिंग लेते हुए आईजी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को हाउस में लाने का हुक्म दिया और कहा जब तक वो दोनों नहीं आएंगे इस वक्त तक बजट पेश नहीं होगा। वक्त गुजरता गया लेकिन दोनों को इजलास में नहीं लाया जा सका और इजलास दोपहर 1 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।